मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, ये सब्जी मंडी आने का पंगा ले लिया। इतनी सारी सब्जी लेके जाओ खिमजी भाई किराने वाले के पास। मम्मी आप हैं, मैं तो डर ही गई थी। देखिए आपको जो भी बोलना है जल्दी बताइए, घर में मैंने बहुत बहाने बना के मैं घर से निकली। सारू कम से कम तू अपने मगज से कलाकारी तो लगाने लगी। ये क्या है? नींद की गोली है और बड़ी ही असरकारक है, और दोषी के लिए तो एक ही काफी है। मम्मी लेकिन आपको ये मिली कहाँ से? वो सब मत पूछ, ज्यादा समय बर्बाद मत कर, बस आज रात को तैयार रहना। जैसे ही दोषी गहरी नींद में जाएगी फिर तो देखना मेरी कलाकारी। गोपी बहु तमे कितना दिल थी मारी सेवा करी रहा छो, बहुत सरस लगे छे। नानी जी ये लीजिए आपकी मनपसंद खीर, मैंने बनाई है, खाके देखिए। अरे वाह जीवनी बहू, तू कितना मेरा ख्याल रखती है। आयाँ, बेस। हाँ नानी जी मैं बैठती हूँ, लेकिन मैं जीवन की बहू नहीं हूँ, जिगर की बहू हूँ। नानी जी आप पहले ये खीर खाके तो देखिए, बताइए कैसी हुई है। हाँ हाँ खाती हूँ, पहले मुझे अपनी बात तो पूरी करने दे। हाँ तो गोपी बहू क्या बोल रही थी मैं? नानी जी आप अपनी सासू माँ के बारे में कह रही थी कि कैसे तेज के दिन। हाँ त्रिजना दिवस है, मेहंदी की झाड़ियों में से मेहंदी के पत्ते तोड़ के लाती थी और खुद सिल बट्टा पे पीस के वो को लगाती थी। मैं भी रोज यही करती थी, इसलिए तुम दोनों को कहती हूँ अपने अपने धनियों का काम से आने का समय हो जाए ना तो जरा श्रृंगार पटार कर लिया करो। जी अब नानी जी वो सब हम बाद में सुन लेंगे, आप पहले ये खीर चख के तो देखिए ठंडी हो जाएगी। हाँ अब दे। अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने अभी अभी तो जूस के साथ गोलियां खाई है, थोड़ी बार पची चाकिस। अब नानी जी कोई बात नहीं, दो चम्मच तो खा के देखिए, चक्के तो बताइए। ना ना बेटा ये चावल की खीर है ना, और सांझ वक्त में चावल नी चीजें मुझे हजम नहीं होती है, पेट में वायु बनती है और फिर रात भर में सो नहीं पाती हूँ। तो मत खाइए माँ, वैसे आपकी कान की दवाई लेने का वक्त हो गया है इसलिए मैं आई हूँ। अरे अभी अभी तो मैंने वो जूस के साथ खा ली, एक गोपी बहू ने तो ला के दी थी मुझे। हाँ लेकिन कोयली ये जिगर की बहू है ना, बड़े प्यार से खीर लेके आई है, लेकिन तू तो जानती है ना चावल मुझे रास नहीं आते हैं, तो एक काम कर ना तू ही खा ले, कितने प्यार से ले आई है खा ले। अगर मम्मी को मालूम पड़ा कि कलाकारी चील मैया की जगह कागड़ी पर हो गई है तो वो तो मुझे मार ही डालेंगी। नहीं माँ वो क्या है ना कि चाय के साथ मैंने नाश्ता कर लिया है तो अभी खीर नहीं खा पाऊंगी। राशि तुम खा लो। वैसे भी तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना? नहीं। काकी जी मैं रसोड़े में जाके खा लूंगी, वो क्या है ना मुझे वहां बहुत काम है। राशि
रसोड़े तक जाओगी तो ये खीर ठंडी हो जाएगी। वैसे तुम खीर खाने में ना नुकुर क्यों कर रही हो? खुद की बनाई हुई खीर खाने में तुम्हें कुछ शक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं इसमें शक्कर कम ज्यादा ना हो या चावल कच्चे ना रह गए हो, इसीलिए एक काम करो, तुम ये खीर एक ही बार में गटक जाओ। चलो शुरू थे जाओ। राशि बेटा, कोयली इतना प्यार से कह रही है तो खा ले ना, बैठ के खा ले, ले और साथ में ये पत्रिका भी देख ले, इसमें है ना चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए तरह तरह लेपों का वर्णन किया है, ले। हाँ शुरू हो जाओ, चलो। अरे कोयली। जी माँ। मेरी ये पूजा की चौपड़िया है ना, मैं तेरे ही कमरे में भूल आई हूँ, जरा मुझे उसमें से एक कथा की चौपड़ी लाके दे। जी माँ। राशि, ये क्या तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हें रसोड़े में काम है और तुम खीर इसे धीरे धीरे खा रही हो? अब खीर खा रही हो या सिर्फ होठों को छुआ रही हो? एक बार में गटक जाओ। जी खाओ। अरे चम्मच भर के खाओ राशि। माँ मैं आपकी चोपड़ी लेकर आती हूँ। क्या हुआ राशि? चुप, चिल्लाओ मत, पहले मुंह बंद और नीचे उतरो। और ये क्या किया राशि? माँ का कमरा तुमने पूरा गंदा कर दिया। क्यों, क्या देखा तुमने, ऐसे क्यों चिल्लाई? काकी जी वो मेरी कॉकरोच पे नजर पड़ गई, इसलिए मैं डर गई और वो छूट गया। हे कृष्ण भगवान, तुम्हें कुछ सिखाना समझाना बेकार है। मेरे लाख सिखाने समझाने पर तुम कुछ नहीं सीखोगी और ना ही समझोगी। तुम कॉकरोच से डर गई? कॉकरोच से? अपनी लंबाई चौड़ाई देखो और कॉकरोच को देखो। डर गई मैं कॉकरोच से? अब जाओ लोई पिणीनी डोबी डफोड़ मनी को बुलाओ और ये कमरा साफ करवाओ। जाओ। गोपी वाओ, अब तुम भी कॉकरोच से डरती हो? चलो मालिश करो। राशि अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो, जाओ। जी माँ, मैं आपकी कथा की चोपड़ी लेकर आती हूँ। मणि जा, काकी जी तुझे बुला रही है नानी जी के कमरे में, वो थोड़ी खीर गिर गई है उसे ही साफ करना है। जी भाभी। हेलो मम्मी। शू मम्मी मम्मी कर्या करे छे? हाँ एक दिवस शांति थी बेसवा पर नहीं दे, अब क्या हुआ? नींद की गोली ने अपना असर किया कि नहीं? असर तो हुआ लेकिन दोषी पर नहीं, मुझ पर। क्या? हाँ हे मारा ठाकुर जी, मेरे जैसी कलाकार की दिक्री होकर तू एक भी काम ढंग से नहीं कर पाती। अब मेरे आगे रड़ मत। चल ठीक है, खीर का खेल बिगड़ गया तो क्या हुआ, अभी भी एक गोली बाकी है ना? हाँ गोली तो अभी भी बाकी है, लेकिन मम्मी देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप आखिर करने क्या वाली हैं? ऐसे फोन पे नहीं बताऊंगी, जब मिलोगी तब बताऊंगी, लेकिन हाँ पहले तो तू अपने होश में रह, कहीं गुड़ुप मत हो जाना। और हाँ उसके लिए मुंह पर पानी के छींटे मारती रहना, समझी? हाँ मम्मी। वैसे आप फिक्र मत करिए, देखिए
गोली तो मैं डोशी के पेट में उतार के ही रहूंगी। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।